So hey, what's up, dude? I'm here. Jab I'm Mohit Bhatt back again with a new and a sexy video, dude. आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया। हमें मुझे सिर्फ इतना बताया कि हम लोग कोई तो आर्ट गैलरी जाने वाले और वहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले। वो कहाँ है, क्या है उसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्योंकि मेरे दोस्त का मुझे कल ही कॉल आया था और उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइज किया है और आज लास्ट डे है मेरे ख्याल से। सो उसने वहाँ पे बात कर ली कि हम लोग आने वाले। सो कैमरा वगैरह सब कुछ अलाउड है, सब कुछ सेट कर दिया उसने, आज हम जाएंगे। और फिलहाल तो मैं भी सो के उठाऊँ, सो पीछे आप इग्नोर करो। जैसे कि मैंने बोला सो के उठाऊँ मैं, तो समझो यार। सो अभी मैं पहले नहा लेता हूँ, उसके बाद हम निकलते हैं। मेरा दोस्त आएगा, उसके साथ हम जाएंगे। सो अभी चलते हैं, अभी नहाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे, डूट देखो। ओके सो अभी मैं नहा के आ चुका हूँ और बाल बहुत गीले, तो बाल सूखने का वेट कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे। तब तक मेरा दोस्त भी आ जाएगा। सो अभी वो आया नहीं है, सो वो आएगा तब निकलेंगे। सो अभी रुकते हैं, शायद आ गया वो। हाँ शायद वो आ गया, तो चलते हैं। ओके सो ये आ चुका है, अभी हम जाएंगे। तो आज का पूरा प्लान इसके पास है, इसको ही पता है कि वो कैसी जगह है, कैसी नहीं। अच्छी है ना? हाँ मस्त है एकदम। सो ठीक है, अभी अच्छी होगी तो ही यूट्यूब पर व्लॉग आएगा। और धूप मेरे मुंह पे आ रही तो इसको बंद कर देते हैं जल्दी से, कुछ भी हो सकता है क्योंकि। ओके सो अभी हम पहुंच चुके लोकेशन पे। अच्छा खासा दूर तक, बहुत दूर है, 7-8 किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं, इसने बोला है अच्छा होगा ये, शायद अंदर कोई पकाऊ चीज ना हो बस क्योंकि साइंस वाले बच्चे बहुत पकाते हैं तो पीछे से दिखा देता हूँ आपको। ऐसे तो ये पार्किंग है, अरे पार्किंग क्या दिखाऊंगा आपको। और देखो वहां से एंट्री है, फिर चलते आगे, फिर देखते तुमको अच्छे से। ज्यादा ब्लॉग बड़ा हो जाता है ना, इसलिए मैं फालतू की चीज बनाता नहीं हो जाता, तो लोग बोलते कि मैंने बोला कम, तो मैं बोल ही लेता हूँ पूरा, तो तुम लोग कफ ही जाओ पूरा। चलो फिर सर डूडू, मुझे मैंने आपको अभी शायद सिनेमेटिक शॉट आपने देख लिया होगा, तो मुझे सबसे बेस्ट यहाँ पे जो पेंटिंग लगी वो ये लगी, और भी लगी पर सबसे बेस्ट ये लगी। क्योंकि ये आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे ओम नमः शिवाय वगैरह वगैरह लिखा हुआ है जो सबको पता है, और यहाँ बीच में कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाया, तो मुझे बहुत बॉम लगी डूड। अब आपको कौन सी अच्छी लगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ कुछ भी। सो ठीक है ना, देखो सही जगह डूड। अभी मैं आपको एड्रेस वगैरह सब बता देता हूँ, के बाद चलते हैं फिर, और क्या काम है अपने को।
ओके सर, ये आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग्स भी करते हैं और उसके साथ साथ ये मॉडलिंग के बहुत सारे शोज भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि आप मतलब पता नहीं होगा आप लोगों को। तो ये जो आप पीछे देख रहे हो SRK प्रोडक्शन, इनका खुद का प्रोडक्शन है, बहुत जगह पे मॉडलिंग शोज ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको खुद देंगे, आप खुद सुन लो। हेलो गाइस, माय नेम इज सुमित्र खंडारे, आई एम डायरेक्टर ऑफ SRK प्रोडक्शन। वैसे बेसिकली हम नासिक में शोज ऑर्गेनाइज करते हैं मॉडलिंग के, पेजेंट फैशन शोज। उसके बाद हम जो फ्रेशर मॉडल रहते हैं उनको वॉक, इंट्रोडक्शन, आई कॉन्टैक्ट, हैंड मूवमेंट, पोजिंग, ये सब सिखाते हैं। हम फ्रेशर्स मॉडल को टाइप्स ऑफ मॉडलिंग और उनकी डेफिनेशन भी सिखाते हैं। जो फ्रेशर मॉडल हो गए वो हमारे शो में पार्टिसिपेट कीजिए। सो अभी आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है और आप यहाँ पे मॉडलिंग के लिए भी आ सकते हो। और मैंने आपको यहाँ पे कुछ पहले सिनेमेटिक शॉट भी दिखाया, आप उसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो क्या क्या चीज़ें। और इनका कार्ड है जो डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको इनका फोन नंबर डालूंगा, इनका इंस्टाग्राम हैंडल डालूंगा, वहाँ पे जाके आप इनको पूछ सकते हो। और कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, किसी को परेशान नहीं करना। अगर आपको सही में आप इंटरेस्टेड हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करना, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आपको आगे अगर मॉडलिंग में आपको करियर करना है तो आप आ सकते हो। तो अभी मैं आपको एक और जन से मिलाने जा रहा हूँ जो यहाँ पे बहुत स्पेशल है। सो ये यहाँ पे आपका खुद ये इनका इंट्रोडक्शन खुद ही देंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो ओके, नमस्कार, आई एम डॉक्टर लतिका वैश्य शांडा, आई एम द ऑर्गेनाइजर ऑफ SRK प्रोडक्शन। अंडर SRK बैनर एंड सौमित्र खंडारे सर के प्रोड्यूसर है जो हमारे, उनके गाइडेंस के अनुसार वी ऑर्गेनाइज द एंटायर एग्जीबिशन। ये एग्जीबिशन में हमने नासिक के काफी सारे आर्टिस्ट को प्रमोट किया हुआ है। सो SRK बैनर एज ऑलवेज प्रमोट्स यूथ, वी वेलकम मोर यूथ टू जॉइन अस इन अवर नेक्स्ट एग्जीबिशन। नाउ आई टेल यू व्हाट माय पेंटिंग इज ऑल अबाउट। माय पेंटिंग इज अबाउट दिस बर्ड कॉल्ड फोनिक्स। इसको फोनिक्स फीनिक्स बोला जाता है यूजली, या इसको अमर पक्षी बोला जाता है यूजली। ये अमर पक्षी जो होता है ये राख में पैदा होता है, उसके एग्स वहां पे हैच होते हैं। एंड ऐसे कहा जाता है कि ये जो अमर पक्षी है या ये फिनिक्स नाम का जो पक्षी है ये सिर्फ लहरों में खेलता है। ही कीप्स प्लेइंग इन द वॉटर एंड ही लव्स द वॉटर वेव्स। एंड इट इज सेड दैट अ पर्सन हु सीज दिस बर्ड फ्लाइंग अंडर द वेव, उसके दिल की जो मनोकामना होती है, उसकी जो इच्छाएं होती है वो सारी पूरी हो जाती है। सो मैंने ये चित्र मेरे कैनवस बोर्ड पे डाल दिया था कि जो इसे देखे उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। ये पेंटिंग किया गया है ऑयल पेंट्स के साथ विद लिंसिड ऑयल। दिस वॉज मेड इन 1999 एज यू कैन नोटिस। सो दिस पेंटिंग इज एज्ड अ लॉट। द मोर यू एज योर पेंटिंग द मोर बेटर यू आर, दैट इज व्हाट इट इज सेड। सो काफी 20-21 सालों से मैं इस आर्ट इंडस्ट्री में हूँ। एंड यस, SRK ऑलवेज बिलीव इन प्रमोटिंग यूथ एज वेल एज सम ओल्ड आर्टिस्ट। सो वी वेलकम मोर आर्टिस्ट इन अवर नेक्स्ट एग्जीबिशन। थैंक यू फ्रॉम SRK प्रोडक्शन। अभी मैंने आपको इतने दो जनों से मिला दिया, बहुत ही प्रोफेशनल जनों से जो मॉडलिंग भी करते हैं और आर्टिस्ट भी है। सो अभी ये सब्सक्राइब करना तो कैसे बनता है, वो देखो उनका फोटो दिख रहा है आपको नीचे। सो ऐसे वैसे कोई नहीं ब्रो, अच्छे लोग हैं। सो अच्छा, अच्छे तो है ही यार, मतलब टैलेंटेड लोग हैं। सो अभी आप थोड़ा बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हो, तो शायद हमारे मेल जो सब्सक्राइबर्स है वो सब्सक्राइब कर दे, तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। सो फिर मिलते हैं। आप लोग भी यहाँ पे अगर विजिट करना चाहो तो इनके पर एड्रेस बता दो, अगर कोई नासिक से है तो वो आ सकते हैं। प्रॉपर कुछ लोकेशन में से जैन सर्कल से थोड़ा सा आगे विद्या विकास सर्कल। अच्छा, जैसे इनका कार्ड है, कार्ड आपको निकालना, उसमें कुछ लिखा है विद्या विकास सर्कल के आगे जो कुसुमाग्रज स्मारक है वहाँ पे हमारा एग्जीबिशन चल रहा है। हमारा एग्जीबिशन चलेगा 28 तारीख तक, 28th of December, सुबह 11 से लेकर शाम को 8 बजे तक। वी वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू। तो भैया आ जाना। चलो बाय बाय। 5 minutes later. नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है यार। सबसे पहले तो करना पड़ता है ब्रो, दूसरों के फोन से कुछ क्या करना पड़ता है कभी कभी। मैं आपको कॉन्टैक्ट करता हूँ।
सो ये था हमारा आज का व्लॉग जो कि बहुत बढ़िया गया और आपको मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज दे दिया और आप बहुत जेन्युइन लोग हैं डूड। आप लोग मॉडलिंग के लिए उनके पास अपील कर सकते हो, मतलब अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दे दूंगा उनके बारे में, आप कर सकते हो। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, इफ यू डिड देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, रुक जाओ, हिट द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सुपर सेक्सी डूड।